एक छोटा सा पॉइंट माइक्रो मैक्रो से रिलेटेड ही, इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज अ सिंगल सब्जेक्ट एंड द एनालिसिस ऑफ एन इकोनॉमी कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स. वाटर टाइट मतलब कि माइक्रो अलग मैक्रो अलग. इट मीन्स माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. देर इज मच कॉमन ग्राउंड बिटवीन द टू. कह रहा ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही सेग्रीगेट कर दोगे माइक्रो का मैक्रो से, कोई लेना देना नहीं. कह रहा नहीं, ऐसा नहीं होता. इट मींस बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट. आप इंडिविजुअल्स को स्टडी करोगे तभी तो एग्रीगेट्स कैलकुलेट कर पाओगे. अगर आप इंडिविजुअल इनकम निकालोगे तभी तो पूरे नेशन की इनकम निकाल पाओगे. यस और नो? यस सर. तो बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब एक स्टडी का दूसरी स्टडी से कोई लेना देना नहीं है. तो आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और इंटरडिपेंडेंट? इंटरडिपेंडेंट. लेट अस एलैबोरेट देयर इंटरडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ डिमांड came into existence from the analysis of the behavior of a group. तो law of demand हम consumer behavior में study करेंगे. तो law of demand कहता है when the price of a commodity falls, कोई चीज सस्ती होती है तो उसकी demand बढ़ जाती है, कोई चीज महंगी होती है तो उसकी demand कम हो जाती है. Obvious सी बात है. Yes sir. तो but हम behavior, जो law of demand derive हुआ वो कहाँ से derive हुआ? जब हमने बहुत सारे लोगों पे वो स्टडी करी. तो जो डिराइव हुआ लॉ ऑफ डिमांड, क्या एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पे पूरा लॉ बन गया होगा? नो सर. नो सर. जब हमने मल्टीपल लोगों को स्टडी करा तब जाके हमने देखा ना कि हाँ, जब चीज महंगी होती है तो लोगों की डिमांड गिरनी स्टार्ट हो जाती है. तो जो लॉ डिराइव हुए वो अप्लाई इंडिविजुअल पे भी हो रहे हैं, बट जब उनको बनाया गया होगा लॉ तो स्टडी बहुत सारे लोगों पे हुई होगी या स्मॉल फ्रैक्शन? सब बहुत सारे. तभी तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ये अप्लाई होगा. नंबर टू, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, प्राइस लेवल बढ़ रहा है, तो वो कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज पे अप्लाई होता है या स्प्रेड होता है अक्रॉस ऑल द कमोडिटीज? सर, इट स्प्रेड अक्रॉस ऑल कमोडिटीज. इट स्प्रेड्स. अगर इन्फ्लेशन हो रही है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर बढ़ती जा रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता जा रहा है, तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, बिजनेस को कॉस्टलियर लोन्स मिलेंगे, तो उनको अपनी कॉस्ट कवर करने के लिए चीजों के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे. पेट्रोल के अगर रेट्स बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, तो थ्रू आउट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कॉस्ट बढ़ेगी. यस और नो? तो पॉइंट इज कि मैक्रो स्टडीज दे आर यूज्ड व्हाइल स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल, एंड माइक्रो स्टडीज आर आल्सो यूज्ड व्हाइल स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स. दे आर इंटरडिपेंडेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज नथिंग एल्स बट द सम टोटल ऑफ इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. तो इंडिविजुअल इनकम, पर कैपिटा इनकम, दैट इज माइक्रो कॉन्सेप्ट. तो इंडिविजुअल की इनकम्स में सबकी टोटल कर दूं तो इट बिकम्स द नेशनल इनकम, दैट इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट. एग्रीगेट डिमांड, इट डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑफ इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स ऑफ द इकोनॉमी. तो माइक्रो एंड मैक्रो आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ये बात क्लियर है? यस सर. यस सर. यस सर. एक छोटी सी चीज है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स. पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है सीमिंगली एब्सर्ड और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, दो ऑफन अ ट्रू स्टेटमेंट. जो लगे कि यार ये तो उल्टी बात लग रही है, बट उल्टी होती नहीं है. वो माइक्रो में अपनी जगह सही है, मैक्रो में अपनी जगह सही है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप सेविंग्स करोगे,
मतलब आपने जो भी पैसा कमाया कुछ कुछ पैसा आप सेव करते चलोगे, वो एक अच्छी हैबिट है बुरी हैबिट है? अच्छी हैबिट है सर। सॉरी, अच्छी हैबिट है सर। अच्छी हैबिट है तो आपकी ग्रोथ होगी उससे? यस सर। यस सर, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे, आप कुछ पैसा सेव करते जा रहे हो सो दैट जब जब जरूरत पड़े तो यू हैव सफिशिएंट रिजर्व्स टू मीट योर कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज का मीनिंग क्या होता है रिद्धि? कंटिंजेंसीज हमारी एक्चुअल्स हो गए ना, कंटिंजेंसीज सर इमरजेंसी। वेरी क्लोज। कंटिंजेंसीज का मतलब अनसर्टेन इवेंट्स, अनसर्टेन इवेंट्स मे और मे नॉट अराइज, अनसर्टेन इवेंट्स। तो अनसर्टनिटीज को मीट करने के लिए आपने कुछ रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, तो कंटिंजेंसीज आर अनसर्टेन इवेंट्स व्हिच मे और मे नॉट अराइज, बट आप सेफगार्ड करके चल रहे हो अपने कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास पैसा होना चाहिए। एनीवे, तो पॉइंट इज सेविंग करना अच्छी बात बुरी बात इंडिविजुअल लेवल पे? अच्छी बात है सर। ओके, अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आप जितना ज्यादा सेव करोगे अपनी इनकम का उतना कम कंज्यूम कर रहे हो। यस सर। ये बात क्लियर है? यस सर। कि अगर मैं 30% ऑफ माय इनकम इफ आई एम सेविंग तो मतलब 70% आई एम स्पेंडिंग। यस सर। 1% एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम, हम जो भी खर्चा कर रहे हैं वो कोई और किसी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यस सर। मैंने 100 रुपए कमाए, 90 रुपीज स्पेंड कर दिए तो फिर किसी ने 90 कमाए। Yes, sir. फिर उसने कुछ पोर्शन स्पेंड कर दिया तो फिर किसी और ने कमाए, तो मल्टीपल इनकम्स जनरेट हो रही हैं। Yes, sir. लेकिन अगर मैंने अपनी इनकम में से 50% सेव कर लिया होता, सिर्फ 50% ही स्पेंड करता तो किसी और की 50 ही इनकम जनरेट होती। Yes, sir. फिर वो उसका कुछ परसेंट सेव कर लेता तो आगे और इनकम कम होती रहती कम होती रहती। Yes, sir. तो नेशन की इनकम कब बढ़ेगी फास्ट पेस पे, अगर मैं ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ या ज्यादा सेव कर रहा हूँ? ये बात समझ आती है? यस सर। तो माइक्रो मतलब हमको ज्यादा स्पेंड करना चाहिए। इकोनॉमी चाहेगी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो गवर्नमेंट चाहेगी कि आप ज्यादा स्पेंड करो, बट इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आप ज्यादा सेव करोगे तो ज्यादा ग्रो कर पाओगे। मतलब कि इकोनॉमी एक तरीके से ये कहती है कि यू हैव टू मोर स्पेंड, दे वांट यू टू स्पेंड मोर। तभी जैसे अगर हमारे रिसेशन होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम क्यों कर देते हैं? रिसेशन मतलब समझ आता है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोगों की इनकम लेवल्स गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, रिसेशन। यस सॉरी, जैसे अभी की सिचुएशन है। Exactly. तो अभी जो चल रहा है पिछले एक साल से, we are facing recession. तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, आरबीआई क्या चाहेगा, वो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा ताकि आपको लोन सस्ते में मिले। ऐसा क्यों चाहेंगे वो? अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करते जा रहे हैं, ज्यादा लोग लोन्स लें, ज्यादा लोग लोन्स लें तो उससे क्या उनको क्या बेनिफिट होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हैं, आप की परचेजिंग पावर, फिर आप स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर आपको आपने लोन्स लिए तो आप मार्केट में ज्यादा स्पेंड करोगे। यस सर। तो पॉइंट क्या हुआ कि जब आप मार्केट में ज्यादा स्पेंड करोगे तो ही इकोनॉमी रिवाइव होगी। यस और नो? यस सर। समझ आया आप जो पूछ रहे थे कि विदुर शायद आप पूछ रहे थे? नो सर, आई वाज आस्किंग सर। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो समझ आया ना कि क्यों इकोनॉमी चाहेगी कि आप ज्यादा स्पेंड करो? नेशन की इनकम बढ़ेगी। यस यस सर। तो पैराडॉक्स, सीमिंगली एब्सर्ड और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, दो ऑफन ट्रू, समटाइम्स देयर आर पैराडॉक्सेस सीन इन माइक्रो एंड मैक्रो। मतलब दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहे हैं। माइक्रो कहता है कि सेविंग्स करो फायदे में रहोगे, मैक्रो कहता है खर्चा करो फायदे में रहोगे। दोनों सही कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे? यस सर।
माइक्रो अपनी जगह सही है, मैक्रो अपनी जगह सही है, वो नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, माइक्रो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है. इट मींस एन एंड व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल मे प्रूव टू बी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी एज अ होल. आई होप एग्जांपल समझ आ गया हो अच्छे से. यस सर. यस सर. यस सर. तो रिपीट करूंगा, इफ एन इंडिविजुअल सेव्स, इफ एन इंडिविजुअल सेव्स हिज फैमिली विल बी बेनिफिटेड. But if the whole economy starts saving, it will result in contraction of demand. Demand girni shuru ho jayegi. Agar aap zyada save kar rahe ho to aap spend kam kar rahe ho to demand girni shuru ho jayegi. Demand girni shuru ho jayegi to producers fir kam banana shuru kar denge. Jab unka samaan hi nahi bikega to output girna shuru ho jayega. Output girega to logo ki job, jab meri production hi gir gayi to mujhe labor zyada chahiye ya kam chahiye? Kam. Kam chahiye to main labor ko lay off kar dunga. जॉब से कॉस्ट कटिंग होगी, तो इट विल लीड टू फॉल इन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इनकम, एज अ रिजल्ट द होल इकोनॉमी विल सफर. तो बात समझ आई कि देयर माइट बी पैराडॉक्सेस. पैराडॉक्सेस मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं माइक्रो और मैक्रो, जो कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे बात सही कर रहे हैं बट दोनों पे वो सही नहीं होगी. कि मतलब एक कह रहा है कि सेव करो, एक कह रहा है सेव मत करो, दोनों बिल्कुल सही है बट दोनों ऑपोजिट बातें कर रहे हैं. तो कह रहे दैट इज पॉसिबल, तो उसको बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स. बोलो सर. बट अगर इकोनॉमी राइज होगी, मतलब इकोनॉमी ज्यादा बढ़ेगी, तो फिर इंडिविजुअल यूनिट्स की भी तो सर इनकम वगैरह फिर धीरे-धीरे बढ़ेगी ना उससे, तो उनकी ग्रोथ भी तो होगी. बट वो इनकम स्प्रेड करेगी. देखो पहले 10 लोग कमा रहे थे, अब 100 लोग कमा रहे हैं, तो नेशन की इनकम तो बढ़ी बट जरूरी है इंडिविजुअल लेवल पे भी बढ़ी. ओके सर. यस और नो? यस सर. यस सर. यस सर. चलो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, माइक्रो और मैक्रो? कह रहे हैं दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भेदभाव नहीं करते. बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव अ प्लेस ऑफ देयर ओन एंड नन ऑफ देम कैन बी डिस्पेंस्ड विद. माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द वर्किंग ऑफ इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी इन जनरल. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों की अपनी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है. वाइल द फॉर्मर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एग्रीगेट्स, स्ट्रक्चर्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट, स्ट्रक्चर्स को कंसोलिडेट करेंगे तो एग्रीगेट्स पे जाएंगे. वाइल द लैटर इज कंसर्न विद द एग्रीगेट्स देमसेल्व्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द स्ट्रक्चर्स पिलर्स ऑफ एग्रीगेट्स. कंज्यूमर को स्टडी करो, प्रोड्यूसर को स्टडी करो. माइक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज द एग्रीगेट्स इटसेल्फ. सो बोथ द अप्रोचेस आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे गो हैंड इन हैंड. द सुपीरियोरिटी ऑफ वन अप्रोच ओवर द अदर कैन नॉट बी डिटर्मिंड, कैन नॉट बी क्लेम. लगता है कि मैक्रो इकोनॉमिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बात ही बड़े लेवल की कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बजट कैसे बनना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होना चाहिए, नेशन की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है. अरे भाई यस दे आर द ट्रू पिलर्स या टू ट्रू डिसीजंस व्हिच द गवर्नमेंट हैज टू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस व्हिच द गवर्नमेंट हैज टू टेक व्हाइल फंक्शनिंग. बट वो डिसीजन तो डिपेंड करेंगे ना कि इंडिविजुअल्स कैसा बिहेव कर रहे हैं. नेशन की इनकम जीडीपी तो तब बढ़ेगा ना जब इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है. आप जो ग्रोथ होगी वो तो तब होगी ना जब इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स दे आर विलिंग टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर. तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट बट उनको आराम से इंडिविजुअली स्टडी करना, वी कैन नॉट स्टडी देम टुगेदर. सो नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्ड टू स्टडी दी एग्रीगेट्स. कह रहे जब माइक्रो इकोनॉमिक्स इतनी ही अच्छी थी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी पड़ी? कह रहे माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्पेसिफिक फील्ड है, दे स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स. इट फेल्ड टू स्टडी दी एग्रीगेट्स ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल. एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी विच कुड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमिक्स इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम as well as to explain the various macroeconomic paradoxes. So microeconomics, macroeconomics, difference bhi pata honi chahiye aur interdependence bhi pata honi chahiye.